नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक भाई का कमेंट था कि भाई साहब, हमें ये वाला घर बिल्कुल पसंद आ गया है, अब हमें घर का यही डिज़ाइन बनाना है और दूसरा किसी भी प्रकार का डिज़ाइन हमें नहीं बनवाना है। तो 30 फीट बाई 50 फीट के प्लॉट पर हम इस घर को किस तरीके से बनाए, सामने का पोर्च आप कितना भी ले सकते हो। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर करते हैं कि 30 फीट बाई 50 फीट के प्लॉट पर घर का यह डिज़ाइन आपको किस तरीके से बनाना है। पूरा वीडियो देखने के बाद ये घर आप खड़े खड़े बनवा दोगे, आपको किसी भी इंजीनियर या फिर सुपरवाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यह पूरा वीडियो देखने के बाद इस घर को बनाने की आप मास्टर डिग्री प्राप्त कर लोगे, यानी कि एक भी इंच किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप साइट पर मिस्त्री को खुद बताओगे कि इस डिजाइन को किस तरीके से बनाना है। तो ये घर का प्लान है और ये घर का डिजाइन है। तो चलिए इन्हीं दोनों के माध्यम से हम आपको बहुत ही अच्छे से समझा देते हैं कि कौन सा रूम कहां पर कितने बाई कितने का रखना है और ये डिजाइन आपको किस तरीके से बनाना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं कि 30 फीट बाई 50 फीट के प्लॉट पर घर बनाने के लिए सेम टू सेम इसी डिजाइन पर आधारित हमने एक घर का नक्शा बनाया हुआ है। यदि आप इस प्लान को फॉलो करेंगे तो आपका घर सेम टू सेम इसी तरीके से बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस घर में एक पोर्च दिया गया है, यानी कि एक बरामदा दिया गया है। तो इस प्लान में भी आप देख सकते हैं कि घर के बाहर एक बरामदा दिया गया है। यदि हम इस बरामदे के साइज की बात करें तो 7 फीट बाई 10 फीट है, यानी कि 7 फीट बाई 10 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है। तो इसी तरीके से आपको घर के बाहर 10 फीट बाई 7 फीट का एक बरामदा बना लेना है और इस बरामदे में आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ एक एक पिलर दिए गए हैं। तो इस वाले पिलर की लोकेशन आप देख सकते हैं कि प्लान में यहां पर दी गई है और इस वाले पिलर की लोकेशन यहां पर दी गई है। तो इसी तरीके से आपको दो गोल पिलर सामने की तरह बना लेने हैं, जो कि ड्राइंग में स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि यहां पर दिखाया गया है। नेक्स्ट, यदि हम बरामदे से आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं कि बरामदे की दोनों तरफ एक बेडरूम यहां पर दिया गया है, दूसरा बेडरूम यहां पर दिया गया है। तो यदि हम इस वाले बेडरूम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्लान में ये वाला बेडरूम यहां पर दिया गया है। यदि हम इसके साइज की बात करें तो 10 फीट बाई 14 फीट है, 10 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस और 14 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। तो इस वाले रूम का साइज आपको 10 फीट बाई 14 फीट रखना है और इस रूम में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रंट पर एक विंडो यानी कि खिड़की दी गई है। तो इस प्लान में भी आप देख सकते हैं कि विंडो यहां पर दी गई है। तो यहां पर आपको विंडो लगाकर सेम टू सेम इसी डिजाइन में विंडो बना लेना है। आप अपने मिस्त्री को बता दीजिएगा, आपका मिस्त्री सेम टू सेम इसी डिजाइन में, ये वाली डिजाइन आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यही वाली डिजाइन इस तरफ भी बनाई गई है। इसी तरीके से आप आर्क मॉडल में विंडो बनवा लीजिएगा, जो कि दिखने में बहुत ही प्यारा दिखेगा। तो इस वाले रूम के बाद आप देख सकते हैं कि बरामदे के दूसरी तरफ भी एक रूम दिया गया है। तो इस प्लान में भी आप देख सकते हैं कि बरामदे के दूसरी तरफ यहां पर रूम दिया गया है, जो कि ये वाला रूम है। यदि हम इस वाले रूम के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 10 फीट बाई 14 फीट है, 10 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस और 14 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। तो 10 फीट बाई 14 फीट का आपको ये वाला रूम बना लेना है और इस रूम में आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ एक विंडो दी गई है और इस प्लान में भी आप देख सकते हैं कि रूम के बिल्कुल फ्रंट पर यहां पर विंडो दिखाई गई है। तो सेम टू सेम आप इस विंडो को इसी तरीके से डिजाइन में बना लेंगे। नेक्स्ट, इस वाले रूम को बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि बीच में एक बरामदा दिया गया है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि बीच में एक बंद बरामदा है और इस बरामदे में प्रवेश करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहां पर एक डोर दिया गया है और इस डिजाइन में भी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो डोर है आपको यहां पर लगाना है। यहां पर जब आप डोर लगा लेंगे तो सेम टू सेम यही डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगी। सेम टू सेम यह डिजाइन बनाने के लिए सामने की तरफ आपको क्या क्या रखना है, कौन सा रूम कितने बाई कितने का रखना है, फुल इंफॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी। अब चलिए घर के आगे का प्लान हम आपको बताते हैं। तो यहां तक घर बनाने के बाद नेक्स्ट आप यहां से घर के आंगन में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करते ही आप देख सकते हैं कि यहां पर घर की स्टेयर यानी कि सीढ़ी दी गई है। यदि हम स्टेयर यानी कि सीढ़ी के साइज की बात करें तो 6 फीट बाई 10 फीट है, यानी कि 6 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस और 10 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है। और स्टेयर के इस तरफ आप देख सकते हैं कि घर का पूजा रूम है। यदि हम इसके साइज की बात करें तो 5 फीट बाई 10 फीट है, 5 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस और 10 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। और पूजा रूम से सटा हुआ आप देख सकते हैं कि घर का किचन है। यदि हम किचन के साइज की बात करें तो 8 फीट बाई 10 फीट है, 8 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस और 10 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। और किचन में आने जाने के लिए यहां पर डोर दिया गया है और यहां पर विंडो दी गई है। पूजा रूम में आने जाने के लिए यहां पर डोर दिया गया है और सीढ़ी पर आप इस तरफ से चढ़ना स्टार्ट करेंगे और इधर से होते हुए घर की छत पर पहुंच जाएंगे। और किचन के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि पूरा जो है ओपन एरिया छोड़ दिया गया है।
किचन के सामने पूरा ओपन है, और इसके साथ साथ किचन के बगल में भी आप देख सकते हैं कि 5 फीट 6 इंच का एरिया एकदम ओपन छोड़ दिया गया है, जिससे इस घर का जो वेंटिलेशन हो वो बहुत ही अच्छा हो, यानी कि घर में किसी भी तरह की घुटन महसूस ना हो। तो ये सब एरिया छोड़ने के बाद नेक्स्ट डे हम आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पीछे इस तरफ घर का बाथरूम और इसके साथ साथ WC कंबाइंड है। बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं कि एक WC यानी कि लेटरिन रूम दिया गया है। यदि हम इसके साइज की बात करें तो 4 फीट 7 फीट 8 इंच है, 4 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस और 7 फीट 8 इंच यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, और WC में आप यहां से प्रवेश करेंगे। और WC के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा रूम बनाया गया है जो कि आपका बाथरूम है। यदि हम इसके साइज की बात करें तो 4 फीट 9 फीट 7 इंच है, 4 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 9 फीट 7 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। और इस रूम का साइज काफी बड़ा है, यहाँ पर आप नल वगैरह लगवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी से सटा हुआ आप देख सकते हैं कि घर का तीसरा बेडरूम है। यदि हम इसके साइज की बात करें तो 10 फीट बाई 14 फीट है, 10 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस और 14 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। इस रूम में आने जाने के लिए यहां पर डोर दिया जाएगा और ये घर का विंडो यानी कि खिड़की है। और इस बेडरूम से सटा हुआ घर का चौथा बेडरूम है। यदि हम इसकी साइज की बात करें तो 10 फीट बाई 14 फीट है, 10 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस और 14 फीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। इस रूम में आने जाने के लिए यहां पर डोर दिया गया है और यहां पर विंडो दी गई है। और यहां पर एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि इस घर को बनाते समय 30 फीट बाई 50 फीट के प्लॉट पर यह बरामदा आपको अलग से बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि केवल यहां से लेकर यहां तक 50 फीट है, बाकी ये जो बरामदा है ये सामने की तरफ 10 फीट एक्स्ट्रा निकाला गया है, ठीक है। तो घर का सेम टू सेम यही डिजाइन बनाने के लिए आपको कौन सा रूम कहां पर रखना है, कहां पर बरामदा रखना है, कौन सा रूम कितने बाई कितने का होगा, फुल इंफॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए हम आपको सामने की तरफ कुछ टिप्स दे देते हैं कि आपको ये वाली डिजाइन किस तरीके से बनानी है, तो चलिए बता देते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 7 फीट ऊंचाई तक ये दोनों पिलर उठाकर ऊपर आप देख सकते हैं कि ये POP की डिजाइन बनाई गई है। तो सेम टू सेम यही POP की डिजाइन आप अपने मिस्त्री को बता दीजिएगा, आपका मिस्त्री बना देगा, ठीक है। इसी तरीके से 7 फीट की ऊंचाई पर ये POP की डिजाइन बनाने के बाद 3 फीट आप ऊपर ब्रिक वर्क कर लीजिएगा, तो आपके जो स्लैब की ऊंचाई होगी यानी कि स्लैब लेबल की जो ऊंचाई होगी वो 10 फीट हो जाएगी। तो 10 फीट ऊंचाई पर आपको कुछ इस तरीके से स्लैब की ढलाई करनी है, और स्लैब की ढलाई करते समय बीच में आप देख सकते हैं कि स्लैब को थोड़ा आर्क करना है, जो कि आगे की तरफ आर्क निकला रहेगा। तो ये डिजाइन बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी मिस्त्री को दिखा दीजिएगा वो मिस्त्री सेम टू सेम यही डिजाइन बना देगा। इसके बाद खिड़की के ऊपर आप देख सकते हैं, खिड़की के ऊपर भी आपको कुछ इस तरीके से POP की डिजाइन बनानी है। तो इस POP की डिजाइन को बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी मिस्त्री आराम से ये डिजाइन बना लेगा। और खिड़की के नीचे आप देख सकते हैं कि एक लिंटर लगभग 1 फीट बाहर, दीवार से 1 फीट बाहर निकालना है, और इसके चारों तरफ आपको POP की डिजाइन बना देनी है, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी मिस्त्री बना देगा। और खिड़की के दोनों कॉर्नर पर ये रेडीमेड पिलर आते हैं, तो इस तरीके से आपको पिलर भी लगा लेना है, तो सेम टू सेम यही डिजाइन दिखेगी। तो फुल इंफॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी कि इस डिजाइन को आपको किस तरीके से बनाना है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर करके रख लीजिए, जिससे आप जब ये वाला घर का डिजाइन बनाएं तो आपके पास पूरी नॉलेज हो कि भाई साहब इसको किस तरीके से बनाना है, नहीं तो ये वीडियो मिस हो जाएगी तो आप इसको दोबारा नहीं पा पाओगे। अभी के लिए बस इतना ही। इस प्यारी सी वीडियो के लिए हम 100 लाइक का एक छोटा सा लाइक टारगेट रखते हैं, उम्मीद है आप सभी लोग कंप्लीट करा देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं, धन्यवाद।